न्यूज सच जरूरी है। जोधा अकबर के 15 साल पूरे होने पर सोनू सूद ने मां को किया याद, बोले नहीं देख पाई मेरी फिल्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। बॉलीवुड की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म जोधा अकबर को 15 साल पूरे हो गए हैं। इस पर सोनू सूद ने कहा कि जोधा अकबर कई मायनों में उनके लिए बेहद खास फिल्म है। इस फिल्म में सोनू सूद ने राजकुमार सुजामल का रोल अदा किया था, जो जोधा के चचेरे भाई बने थे। फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारीकर ने किया, वही ऋतिक रोशन ने अकबर की भूमिका निभाई। सोनू सूद बोले, मां नहीं देख पाई जोधा अकबर। सोनू सूद ने फिल्म को लेकर कहा कि मैंने शूटिंग का पूरा आनंद लिया। ऐतिहासिक फिल्में मुझे हमेशा हाई करती है। मेरी मां इतिहास की प्रोफेसर थी। अगर मुझे किसी भी फिल्म का ऑफर आता था तो वह अक्सर मुझे ऐतिहासिक फिल्में करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, इसलिए मैंने इस फिल्म को लेकर कहा था। सोनू सूद शूटिंग के दौरान की चीजों को याद करते हुए बोले कि किस तरह मां ने उनकी बड़ी मदद की थी। अभिनेता ने आगे कहा कि मेरे कैरेक्टर के साथ मेरी मां ने मदद की पूरी शूटिंग के दौरान और स्क्रिप्ट के साथ भी मुझे गाइड किया। हालांकि वह इस फिल्म को नहीं देख पाई। रिलीज से 4 महीने पहले ही उनका निधन हो गया था। हालांकि प्रीमियर के वक्त मुझे लगा कि वह मेरे बराबर में बैठी है। जोधा अकबर दिलाती है माँ की याद। फिल्म जोधा अकबर मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। वह अक्सर जोधा अकबर के सेट पर मुझसे मिलने आती थी। वह आखिरी सेट था जिस पर वह आई थी, इसलिए वह मेरे लिए बेहद खास है। सोनू सूद भावुक होके बोले कि उन्होंने मुझे वादा किया था कि यह फिल्म मेरे लिए बहुत कुछ बदल देगी और सच में ऐसा हो गया। आइए चलते हैं अगली खबर के तरफ। कोर्ट से हंसते हुए बाहर आई राखी, बोली खुद लड़ना चाहती हूँ अपना केस। राखी सावंत पिछले काफी दिनों से अपनी निजी और शादीशुदा जिंदगी की वजह से सुर्खियों में है। पिछले दिनों एक्ट्रेस ने अपने पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल आदिल न्यायिक हिरासत में है। आज राखी और आदिल के केस की कोर्ट में सुनवाई हुई। राखी जब कोर्ट से बाहर आई तो काफी दिनों बाद उनके चेहरे पर पहले जैसे मुस्कुराहट थी। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो विरल भयानी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया गया है। इसमें राखी अपने वकील के साथ कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी नजर आ रही है। पैपराजी ने जब राखी से पूछा कि आज क्या हुआ, इस पर राखी ने कहा, मैं फिल्मों में देखती हूँ हमेशा कोर्ट कचहरी, आज रियल देख रही हूँ, अपना केस खुद लड़ने का दिल कर रहा है। इसके बाद राखी ने कहा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने वकालत क्यों नहीं की। खुदा ने मुझे जो ये आवाज दी है, ऐसा लगता है कि जब मेरी वकील यह केस लड़ती है तो मैं लड़ रही हूँ। इसके आगे राखी ने कहा, जब तक पुलिस इंक्वायरी नहीं करेगी तब तक। राखी ने आगे कहा कि आदिल को डायरेक्ट पुलिस कस्टडी मिली है और वो चाहती है कि मुंबई पुलिस को भी उसकी कस्टडी मिले ताकि उनके मामले में पूछताछ हो सके। एक्ट्रेस ने कहा, पुलिस कस्टडी मुंबई से भी मिलनी चाहिए, हो सकता है कि मैसूर पुलिस को भी कस्टडी मिल जाए और यहाँ से मैसूर पुलिस के भी आदिल को लेकर जाए, फिर वहां से उन्हें वापस यहाँ आर्थर रोड जेल लाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया है। राखी सावंत का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वह कहती नजर आ रही है कि आदिल के मम्मी पापा चाची कोई भी उनका फोन नहीं उठाता है। आपको बता दें कि राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुर्रानी पर मारपीट समेत कई आरोप लगवाए हैं। उनका कहना है कि आदिल ने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि एक्ट्रेस ने कहा कि वह पति को तलाक नहीं देना चाहती है। दूसरी तरफ हाल ही में मैसूर के में आदिल खिलाफ एक FIR दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक छात्रा ने आदिल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। आइए चलते हैं अगली खबर के तरफ। सांवले रंग के कारण इस एक्ट्रेस को 28 साल तक नहीं मिला काम, अब इस बायोपिक से कर रही वापसी। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के लाइफ पर बायोपिक बनाई जा रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब इस फिल्म की घोषणा हुई तब स्टार कास्ट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। अब खबर है कि इस फिल्म में यंग सरोजिनी के रोल में सोनल मोंटेरो नजर आएंगी, वही इसके बाद इस किरदार को अभिनेत्री शांति प्रिया निभाएगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।